हेलो बच्चों, आज मैंने ये वीडियो क्लास फोर्थ और फाइव के बच्चों के लिए बनाई है। सब्जेक्ट है ईवीएस और टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। जैसे कि बच्चों, हम सबको पता है जीवन के लिए खाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो बाकी जीव जंतु हों, मनुष्य हों और जानवर हों, सबको खाना यानी कि पोषण चाहिए, तभी उनका जीवन आगे बढ़ता है। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स को, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें खाना कहाँ से मिलता है। प्लांट्स जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो पोषण है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन हरे पेड़ पौधों को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, खुद, और ट्रॉप्स मतलब होता है बनाना, ठीक है। हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहते हैं। और कुछ पेड़ पौधे जो हरे नहीं होते, जैसे मशरूम है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वह अपना खाना खुद नहीं बना पाते। बाकी जीव जंतु जैसे मनुष्य, जानवर, वो भी अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर हैं, दूसरे पेड़ पौधे दूसरे जीव जंतुओं पर खाने के लिए निर्भर हैं, इसलिए हम उन्हें हीटरोट्रॉप्स कहते हैं या परपोषी कहते हैं। हीटरो मतलब होता है अदर, दूसरे, वह दूसरों पर निर्भर हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्लांट्स, पेड़ पौधे, अपना खाना स्वयं कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रिया सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और यह प्रक्रिया सिर्फ दिन के समय सूर्य के प्रकाश में ही होती है, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमें घर में भी खाना बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तब हमारा खाना बनता है, तो उसी तरह प्लांट्स को भी, पेड़ पौधों को भी खाना बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, पानी की। खाना वह जो फोटोसिंथेसिस है, जो पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही बना सकते हैं, और क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है, तब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी बनती है, जो पेड़ पौधे बाहर दे देते हैं और वातावरण में, और वहाँ से उसे दूसरे जीव जंतु श्वसन क्रिया के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमें पौधे को पानी कहाँ से मिलता है। अब जो जड़ होती है पौधे की, वो ज़मीन के अंदर होती है। जड़ ज़मीन से, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करती है, और पानी के साथ साथ कुछ खनिज लवण को भी एब्जॉर्ब करती है, और उन्हें पौधे के ऊपरी हिस्से में भेजती है। ये देखिए पानी ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये पानी लीफ में जाता है, लीव्स में, यानी कि पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियों को पौधे का किचन यानी कि रसोई घर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर पौधे का खाना बनता है। पत्तियाँ हरी होती हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियाँ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेती हैं, और पानी नीचे जड़ से पत्तियों में पहुँच जाता है। इन तीनों की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, अपना खाना यानी कि फूड बनाते हैं, और फिर से पानी बनाते हैं। ये पानी वापस पौधे अपने बाकी क्रियाओं के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब खाना बनता है पौधे में, लीफ में, पत्तियों में, तो उस खाने का क्या होता है। वह खाना कई रूप में पौधे में ही स्टोर हो जाता है, जैसे कि ये फल है, फल में शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का ही एक हिस्सा है। आलू है, टमाटर है, ये सब जो खाने वाला हिस्सा है, इनका खाने वाला पार्ट है, वो एक तरह से पौधे का बनाया हुआ खाना ही है। तो देखा हमने कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही पौधे में खाना बना। ऑक्सीजन
जो पौधे ने बनाकर बाहर वातावरण में एटमॉस्फेयर में दी, वो वापस दूसरे जीव जंतुओं ने उसे अपनी ब्रीदिंग श्वसन क्रिया में इस्तेमाल किया। जो खाना बना, ग्लूकोज बना, कुछ पौधे ने अपने लिए रखा और कुछ को स्टोर किया। जैसे शकरकंदी में जो हिस्सा हम खाते हैं वो भी ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जो अनाज हम खा रहे हैं, दाल अनाज, वो सब जो है पौधे का बनाया हुआ खाना ही है।